आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में लूट और डकैती करने वाले गिरोह के सरगना सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देवास पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। सरगना के साथ उसके दो साथी भी पकड़े गए। आरोपियों की निशानदेही पर लूट और चोरी के करीब 15 करोड़ कीमत के 10,000 से ज्यादा नए मोबाइल जब्त किए गए हैं। साथ ही दो बड़े ट्रक, दो मिनी ट्रक, एक कार और कुछ अन्य वाहन भी बरामद किए गए। यह बरामदगी इंदौर, मुंबई के अलावा अन्य शहरों से भी की गई है। एसपी देवास डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया है कि गिरोह का मास्टरमाइंड बीड महाराष्ट्र निवासी राम गाड़े है, जबकि उसके दो साथी अंकित झाझा निवासी धानी घाटी देवास और रोहित झाला निवासी चिड़ावा देवास भी पकड़े गए हैं। बताया गया है कि इसी गिरोह ने आंध्र प्रदेश में भी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के चालकों और कंडक्टरों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। कई बार वाहन चालक कंडक्टर को बंधक बनाकर पीटते भी थे। गिरोह का सरगना मोबाइल का आईएमआई स्वैप करने में माहिर है। मोबाइल का आईएमआई स्वैप कर इसका सौदा देश के अलग अलग राज्यों के व्यापारियों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सरगना से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है और गिरोह के अन्य फरार करीब दर्जन भर साथियों की भी तलाश की जा रही है। आरोपियों की धरपकड़ में पुणे, मुंबई, इंदौर, भोपाल सहित कई अन्य शहरों में दबिश दी गई थी। बता दें कि गिरोह में लगभग 1.5 दर्जन सदस्य शामिल हैं जो हाईवे में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इस गिरोह के सदस्य देश के अलग अलग शहरों में लूट की वारदात को अंजाम देकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास लूट का यह सामान लेकर जाते थे, जहां से वह इनकी आईएमआई बदलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दुकानदारों सहित ऑनलाइन बिक्री किया करता था। फिलहाल देवास पुलिस पकड़े गए इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, देवास पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आज ये गिरोह हाईवे पर रात में ट्रक जो चलते हैं उनमें लूट और डकैती करके ड्राइवर और क्लीनर को बांध के या फिर उनको इंजर करके और लूट की घटनाएं करता था। इसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ये लोग पार करते थे। इस गिरोह से हमने लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा के मोबाइल फोन्स जब्त किए हैं, जो हमारी देवास पुलिस की टीम ने आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम के सहयोग के साथ जब्त किए हैं। अभी इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है हमने। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम है राम गाड़े, अंकित झाझा और रोहित झाझा। ये 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है। बाकी लगभग 1 दर्जन आरोपी और हैं जो अभी इसमें फरार हैं, उनसे और रिकवरी होना बाकी। कहां कहां से चोरी हुए थे मोबाइल, कहां कहां से चोरी हुए सर? आंध्र पुलिस का क्या रोल है? देवास में हमारे यहां टोंकखुर्द थाने में 2 FIR हैं, 172/20 और 183/20। ये दोनों में लगभग 35 लाख और क्रम से 4 लाख रुपए का मशरूका गया था। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वहाँ से इन्होंने विभिन्न घटनाओं में इन मशरूका को इन्होंने लूटा है, चोरी किया है। जो आरोपी फरार है उसमें देवास जिले के कितने? लगभग 1 दर्जन में से बाकी बचे हुए आरोपी जो हैं वो यहाँ के। सर बताया जा रहा है इसका जो मुख्य आरोपी है वो किस तरह का है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या नाम है उसका और सर किस तरह से काम? इसका जो मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना है इस पूरे गिरोह का, ये है राम गाड़े। राम गाड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुणे बेस्ड है ये, और ये देश के कई शहरों में इसने अपने सेटअप बना रखे हैं। वहाँ पर ये इस तरह से जो मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चोरी और लूट के इसको मिलते हैं, उनको एक ग्रे मार्केट में सप्लाई करता है और शहर के विभिन्न हिस्सों में और अन्य देशों में भी ये सप्लाई करने के, इसके अभी प्राथमिक जांच में सामने आई है, इसकी जांच की।